आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। वैश्विक महामारी बन चुकी कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा किए गए सरकारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने का आरोप में लातेहार अनुमंडल पदाधिकारी सागर कुमार ने बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में औचक छापेमारी करते हुए दो दुकानों को सील कर दिया। सील किए गए दुकानों में टायर एवं किराना की एक एक दुकान शामिल है। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी सागर कुमार ने कई वाहनों की भी जांच की और बिना मास्क के चल रहे लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। वहीं बालूमाथ मुख्य बाजार में रुककर एसडीएम ने लाउडस्पीकर से फुटपाथ के दुकानदारों से मास्क पहने, हैंड ग्लव्स पहनने सहित कई अन्य चीज का पालन करने का अपील की। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बालूमाथ में किए जा रहे औचक छापेमारी के दौरान बालूमाथ के दुकानदारों में काफी हड़कंप देखा गया और छापेमारी की बात सुनते ही कई दुकानदार ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर घर चलते बने। छापेमारी अभियान में लातेहार अनुमंडल पदाधिकारी सागर कुमार के साथ बालूमाथ प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार, अंचलाधिकारी रवि कुमार, बालूमाथ थाना के पुलिस इंस्पेक्टर बबलू कुमार, बालूमाथ थाना प्रभारी राणा पानू प्रताप सिंह, अंचल निरीक्षक कुमार सत्यम भारद्वाज, पंचायती राज पदाधिकारी गोपाल नाथ सिंह, प्रखंड बीपीओ संजय कुमार, रवि कनिये, अभियंता कौशल कुमार पांडे समेत कई पदाधिकारी थे। बालूमाथ से मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट।